दोस्तों, क्या आपको पता है कि फलों के बाहर स्टिकर लगा होता है, वो क्यों लगा होता है? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम जब कभी भी मार्केट या सुपरमार्केट घर का सामान खरीदने जाते हैं तो साथ में फल जरूर लेकर आते हैं और उन फलों में स्टिकर चिपका हुआ होता है। तो दोस्तों, फलों में चिपके इस स्टिकर में उनके दाम और एक्सपायरी डेट दर्ज होती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक PLU यानी कि प्राइस लुकअप कोड होता है। ये कोड फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है। दोस्तों, PLU कोड में एक विशेष अंक से कोड की शुरुआत होती है। दोस्तों, कुछ फलों में 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर लगे होते हैं और उनका कोड 9 के अंक से शुरू होता है। जैसे जिन स्टिकर पर 93435 लिखा होता है तो इसका अर्थ यह है कि यह फल जैविक रूप से उगाए गए हैं। इसलिए ये फल भले ही थोड़े कीमती हों लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहीं कुछ फलों पर 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर पर 8 के अंक की शुरुआत होती है। जैसे इन स्टिकर पर 84131 लिखा होता है। ऐसे में साफ है कि इन फलों में अनुवांशिक संशोधन किया गया है। दोस्तों, इस तरह का फल गैर ऑर्गेनिक फल की कैटेगरी में शामिल होते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ फलों में 4 अंकों की संख्या वाले स्टिकर लगे होते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इस तरह के फल कीटनाशक और रसायनों द्वारा उगाए जाते हैं। इस स्टिकर वाले फल ऑर्गेनिक फलों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं और सेहत के लिए हानिकारक भी। दोस्तों, इन फलों में लगे हुए स्टिकर को अगर हमने खा लिया तो क्या होगा, चलिए हम बताते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार फलों पर लगाए जाने वाले स्टिकर एक तरह के इटेबल पेपर से बने हुए होते हैं, जिनको यदि हम खा भी लें तो कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाली बातें जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को टिक करिए, ताकि हम जब कभी भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।